अस्सलामुअलैकुम। आज आ रहे हैं साथ भाई रावलपिंडी, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात का जो मौसम है वो हो चुका है बिल्कुल तूफ़ानी, और हर तरफ हर जो सियासी जमात है वो पूरा ज़ोर लगा रही है और सबके लिए ख़तरे की घंटी बजाई है तहरीके लबैक पाकिस्तान ने। आज पीपी साथ हाफिज़ मंजूर अहमद लंगड़ियाल साहब हैं, इनकी कंपेन के सिलसिले में हाफिज़ साद हुसैन रिजवी जो है रावलपिंडी में जलसा करने जा रहे हैं। और इससे पहले जो पंजाब पुलिस की थोड़ी सी हमें बदमाशी भी देखने को मिली और उन्होंने कोई इंतजामाती जो माहौल है उसको थोड़ा ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन अभी वल्ला आलम उसमें क्या हकाइक हैं वो खुलकर अभी सामने नहीं आए। वो आएँगे तो फिर हम इसमें मज़ीद बात कर सकते हैं। और एक कोहटा की मस्जिद है जहाँ हाफिज़ साहब ने तशरीफ़ लाना है, हाफिज़ साद भाई ने, तो उससे पहले ही वो जो मस्जिद है वो पूरी तरह से फुल हो चुकी है और बाहर लोगों का एक जमे गफीर है। और जब वो तशरीफ़ लाएंगे तो उस वक्त का आलम क्या होगा, और जब जलसे की तरफ रवानगी होगी और जलसे का माहौल हम देखेंगे तो यकीनन एक आवाम का बड़ा समुंदर जो है वो मौजूद होगा। यकीनन मैं पीपी 11 से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं देख रहा हूँ यहाँ पूरे एक हफ्ते से कंपेन चलाई जा रही है कि हाफिज़ साद भाई पीपी साथ में आ रहे हैं, कलर सईदा आ रहे हैं, तो वहाँ जाना है। तो हर पीपी का जोश व खरोश जो है वो यहाँ पर है। तो आज पूरा रावलपिंडी आपको देखने को मिलेगा कलर सईदा में, और ये हर जमात के लिए ख़तरे की घंटी है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को जो कारकुन है वो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त अपने कह लें कि लीडर जो है हमारे साथ हुसैन रिजवी उनके साथ पूरी तरह यूँ कनेक्ट हो चुका है और पूरी तरह उनके लिए हर कीमत झुकाने को तैयार है। इस तहरीक के लिए जान माल हर तरह से वो इसके साथ तआवुन करने के लिए तैयार है। तो ये जो जज्बा होता है ये हर सियासी जमात के पास नहीं होता, हर सियासी जमात के पास ऐसे कारकुन नहीं होते। तहरीक लबैक पाकिस्तान के पास ये कारकुन है, तो ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा असासा है।